हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल की स्क्रीन पे हूँ अभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी मेरे एंड्रॉइड फ़ोन से 30 सेकंड के अंदर मेरा एक यूट्यूब वीडियो के थंबनेल चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले भी मैं इसके बारे में एक यूट्यूब वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे आप जो यूट्यूब वीडियो उसका थंबनेल चेंज कर सकते हैं। फुल डिटेल्स के साथ है वो वीडियो, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन वो वीडियो अगर आप देख लेते तो आप कभी भी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल चेंज करें या फिर कोई दूसरा यूट्यूब के रिलेटेड काम करें आपके फ़ोन में, तो आपको कोई भी छोटी मोटी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी हम यूट्यूब वीडियो का थंबनेल चेंज कर लेते हैं। तो मैं गूगल क्रोम खोल लिया। गूगल क्रोम खोलने के बाद आप YouTube.com पे जाइए, YouTube.com टाइप करके सर्च कीजिए या फिर डायरेक्टली आप जैसे मैं आया आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है इस जो चैनल का प्रोफाइल है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है योर चैनल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो थ्री डॉट आप देख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। सबसे पहले नीचे वाला जो थ्री डॉट है यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग को सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। और उसके बाद सिलेक्ट करना है क्रोम। तो थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से जो ऊपर वाला थ्री डॉट है क्रोम का उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके जो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी भी थोड़ी देर रुकना है, 2 सेकंड तक, जब तक ना प्रोसेस खत्म। तो प्रोसेस खत्म हो गया स्टूडियो, तो हम लोगों को जाना है यूट्यूब स्टूडियो में। तो मिल जाएगा मोबाइल फ़ोन में, जूम इन कर लेता हूँ और आ जाता हूँ यूट्यूब जो वीडियो है यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे ही जस्ट यहाँ पे देखिए वीडियो का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जो जो लिस्ट है वीडियोस का वो हम लोगों के सामने खुल जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मानिए कि मैं इस वीडियो का जो थंबनेल चेंज करने चाहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं क्लिक किया तो हम लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिए 5 ऑप्शन है। लास्ट वाला एक पेन का ये है सिंबल है, तो पेन के ऊपर मैं क्लिक किया, ठीक है। तो उस पेन के ऊपर मैं क्लिक, पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अपलोड थंबनेल जो ऑप्शन है ये आपके सामने दिखेगा, अगर आप कोई भी अपलोड थंबनेल अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी थंबनेल चूज़ कर सकते हैं जो प्री मेड है, आप वीडियो में वीडियो से कोई भी रैंडमली चूज़ करके, या फिर आपको अपलोड थंबनेल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन के ऊपर। तो मैं क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो उनमें से मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ। नहीं है तो कहीं और है, तो आप ये वाला जो लाइन है तीन लाइन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हैं, फोटोज़ में जा सकते हैं, आपकी गैलरी में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो थंबनेल है यहीं पे है, यही थंबनेल है। तो मैं चूज़ कर लिया जो थंबनेल मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये थंबनेल मैं यूज़ करना चाहता था तो मैं चूज़ कर लिया और यहाँ पर सिलेक्ट होकर अपलोड हो गया। अगर उसके बाद आपको क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक कर देना। देखिए मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दिया तो जो थंबनेल मैं चूज़ किया था वो यहाँ पर आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी कहीं पे भी आप ये वीडियो देखिएगा वो थंबनेल यहाँ पे ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर आप थंबनेल अभी मानिए कि मैं थंबनेल अपलोड कर दिया, अभी चेंज करना चाहते हैं, दूसरा थंबनेल चेंज करना मतलब अपलोड करना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, थंबनेल के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो आपको इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तब ये जो थ्री डॉट है ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज या फिर डाउनलोड। ये जो थंबनेल आप अपलोड किए ये थंबनेल बाद में आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर से जो थंबनेल आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज़ करके फिर सेम ऑप्शन आपको फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तब आपका जो थंबनेल है चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।